सिर्फ 10 दिन में आपकी बेली फैट बिल्कुल कम हो सकती है। सिर्फ 5 मिनट आपको ये वाला उपाय करना है जो कि इस वीडियो में मैंने आगे बताया है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ग्रैम। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 10 दिन में अपना बेली फैट कम करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, क्या आप लोगों के घर में शादी है, शादी अटेंड करनी है आपको, या फिर कोई फंक्शन है, कुछ है, आपका ड्रेस, जो भी ड्रेस है वो प्रॉपरली आपको फिट नहीं आ रहा, आपकी बेली पे टाइट हो रहा है, या आपका बेली फैट बढ़ गया है, आपको ड्रेस पहनने के बाद बेली आपकी निकली हुई है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है आपको, तो आज मैं आप लोगों को 10 दिन का एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपकी मनचाही ड्रेस आपको बिल्कुल फिट आएगी, बिल्कुल सही आएगी, आपका बेली बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपका अपना जो भी मनचाहा ड्रेस है वो पहनकर आप बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लगने वाले हो। जी हाँ, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, लेकिन आपको इसे 10 दिन करना है। जिस तरह से मैं बताऊंगी इस तरीके को, 10 दिन आपको फॉलो करना है। 10 दिन अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बिल्कुल मनचाहा अपना ड्रेस पहन सकते हो। लेकिन एक बात है, काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि काफ़ी वजन बहुत ज़्यादा होता है, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो वजन होता है, उनका 10 दिन में एकदम से 40 किलो करना मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी दिनों तक, कम से कम साल, 2 साल या 6 महीने, डिपेंड करता है आपका कितना ज़्यादा वेट है, वेट कम करने के बाद ही आप जो है बेली का फैट कम कर सकते हो। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका ओवरऑल वेट सही होता है, फिगर सही होता है, लेकिन बेली निकली हुई होती है जो कि बहुत बुरी लगती है, तो वो लोग 10 दिन में अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। बहुत ही आसान असरदार तरीका है, 5 एक्सरसाइज 5 मिनट, सिर्फ 5 एक्सरसाइज 5 मिनट आपको करने हैं, और दिन में जितनी बार हो सके कीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले, अगर जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको घंटों एक्सरसाइज करना है, जी नहीं, सिर्फ 5 एक्सरसाइज 5 मिनट आपको करने हैं। बस इन 5ों एक्सरसाइज की वजह से 5 मिनट में आप अपना बेली फैट 10 दिन में घटा सकते हैं बिल्कुल। तो 10 दिन में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी ओकेशन है, शादी है या कोई फंक्शन है, कुछ भी है, आप खूबसूरत स्लिम ट्रिम सही दिखना चाहते हैं, तो 10 दिन थोड़ा सा परहेज कर लीजिए। 10 दिन मीठा बिल्कुल नहीं खाना है और साथ ही साथ ग्रीन टी पीजिए खूब अच्छे। ग्रीन टी नहीं है, महंगी है, नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, इतने सारे मैंने वेट लॉस ड्रिंक्स शेयर कर रखे, अपनी पसंद का कोई भी वेट लॉस ड्रिंक उठा लीजिए, दिन में 2 से 3 बार इसको पी लीजिए, जिस तरह से मैंने बताया है बिल्कुल उस तरह से पीजिए, उस तरह से 10 दिन आपको उस वेट लॉस ड्रिंक को पीना है, और साथ में मेरे बताए हुए ये 5 एक्सरसाइज आपको करने हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, बस हो गया, 10 दिन में आपका बेली फैट बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, वो कौन से ऐसे आसान से एक्सरसाइज हैं जो 5 मिनट में आपका बेली फैट कम कर सकते हैं, वो भी 10 दिन में। और हाँ, इसे आप चाहे तो बेड पर कर सकते हैं, अगर आप ज़मीन पर नहीं करना चाहते आप बेड पर भी कर सकते हैं, और चाहे तो ज़मीन पर आप कोई जो है मैट वगैरह बिछा लीजिए और वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए कर लीजिए, बेड पर 5 मिनट के लिए कर लीजिए, जहाँ आपको जैसे भी सुविधा हो, बस समय निकालिए, टीवी देखते हुए, किसी से बातें करते हुए 5 मिनट का ये एक्सरसाइज करके देखिए, इतनी अच्छी तरीके से आपका वेट लॉस करेगी, इतनी अच्छी तरीके से आपका बेली फैट गायब कर देगी, और साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिक रेट भी सही कर देगी, आपका डाइजेशन अच्छा कर देगी, आपका पेट साफ रखने में भी मदद करेगी। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपका बेली फैट ही नहीं घटाएगी, आपको और भी कई सारे फायदे देगी, आपको एनर्जेटिक रखेगी अगर आप सुबह सुबह इस एक्सरसाइज को करते हो तो। बस समय निकाल कर आपको इसे करना है, और हाँ, खाना खाने के बाद अगर करना है तो कम से कम खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। कोशिश कीजिए, बेस्ट टाइम है कि सुबह आपने चाय वगैरह अपनी पी ली, जो भी चाय वगैरह आपने पीनी है पी लिया, वेट लॉस ड्रिंक लेना है ले लिया, उसके बाद एक्सरसाइज कर लीजिए 5 मिनट के लिए, शाम को जैसे लंच कर लिया 2-3 घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर लीजिए, और इसके बाद शाम की चाय पीजिए आराम से, देखिए बड़ा मज़ा आएगा शाम की चाय तब पीने में, क्योंकि आप रहेंगे बिल्कुल एनर्जेटिक और उसके साथ ही आपको मिलेगी गरम गरम चाय। लेकिन हाँ, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़े, समोसे वगैरह को थोड़ा 10 दिन अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको अपने फंक्शन में अच्छा दिखना है, खूबसूरत दिखना है, स्लिम ट्रिम दिखना है, तो थोड़ा सा परहेज कीजिए, 5 मिनट के ये एक्सरसाइज कीजिए और 10 दिन में देखिए क्या फिगर मिलती है आपको। तो चलिए, बहुत बातें मैंने कर ली, अब मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। पहला एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज में आप
चाहे तो बेड पर कर सकते हैं या जमीन पर आप इस तरह से लेट जाइए। और इसके बाद आपको क्या करना है, रिवर्स क्रंच करना है, यानी इस तरह से आप पैरों को ऊपर उठाइए और निचली बेली की बेली में आपको प्रेशर डालना है और इस तरह से आपको जो है पैरों को ऊपर करना है, फिर नीचे ले जाना है। तो आप देख सकते हो ऊपर मेरी घड़ी लगा के रखी है मैंने 1 मिनट के लिए, तो आप भी घड़ी देखते हुए आपको 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करना है। बहुत असरदार एक्सरसाइज है लोअर बेली फैट को कम करने के लिए। आपकी लोअर बेली की फैट बिल्कुल गायब हो जाएगी इस एक्सरसाइज से। अगर आप लगातार 1 मिनट नहीं कर सकते तो आप 30 सेकंड के लिए कीजिए। 30 सेकंड यानी 30 सेकंड के लिए करने के बाद आप बीच में थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर 30 सेकंड के लिए कीजिए। ये इतना असरदार है कि कंटिन्यू 1 मिनट अगर आपने इसको कर लिया तो 10 दिन में आपका 100% 100% आपका बेली फैट बिल्कुल कम हो जाएगा। देखिए मैं रेस्ट ले रही हूँ, रेस्ट लेने के बाद फिर से मैं थोड़ी देर के लिए इस एक्सरसाइज को कर रही हूँ। इस तरह मैंने 1 मिनट इस एक्सरसाइज को की है। इसके बाद चलिए रेस्ट लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 10 सेकंड का रेस्ट लीजिए, 15 सेकंड का रेस्ट लीजिए, उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज। दूसरे एक्सरसाइज में आपको इस तरह से करना है, एक बार पैरों को सीधा करना है, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है, तो क्रिस क्रॉस में कीजिए आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को। ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इससे भी आपका जो है बेली फैट कम होगा, आपका थाई फैट कम होगा, आपका हिप फैट कम होगा, और साथ ही साथ अगर आपको अपर बॉडी में साइड बल्ज हैं या साइड फैट है तो वो भी कम हो जाएगा इससे। ये एक बहुत बहुत असरदार एक्सरसाइज है, इससे आपकी फुल बॉडी का एक्सरसाइज हो रहा है, आप देख ही सकते हो। तो इसे भी मैं लगातार 1 मिनट के लिए कर रही हूँ। 1 मिनट करने के बाद आप तीसरे एक्सरसाइज में जाएंगे। लेकिन अगर 1 मिनट से पहले अगर आप थक जाते हैं तो आप 30 सेकंड के लिए इसको कीजिए। 30 सेकंड करने के बाद आप थोड़ा सा बीच में रेस्ट लीजिए और फिर उसके बाद 30 सेकंड के लिए इसको स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से देखिए इस एक्सरसाइज को भी मैंने 1 मिनट के लिए किया है, तो हो गए मेरे 2 मिनट यहाँ पर कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन बीच में ज़रूर रेस्ट लीजिए आप। ज़रूर रेस्ट लेने के बाद आप तीसरे एक्सरसाइज में चलते हैं। तीसरा एक्सरसाइज है आपको कब बनाना है ब्रिज। जी हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अगर किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इससे आपकी जो लोअर बैक है वो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, बैक पेन कम होता है। खासकर महिलाओं में बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पुरुषों में भी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। तो बैक पेन तो ख़त्म होगा ही, साथ ही साथ आपकी बेली फ्लैट होने में, आपकी बेली चपटी फ्लैट और पतली होने में बहुत मदद करता है ये एक्सरसाइज। तो आपको इसे भी करना है इसी तरह से जैसे आपने कमर को ऊपर की तरफ किया, 1 से 10 तक आपने काउंट किया, फिर धीरे धीरे आपको जो है अपना लोअर बैक आपको नीचे रखना है, फिर आपको धीरे धीरे ऊपर उठाना है, 1 से 10 तक काउंट करना है, फिर धीरे धीरे नीचे उतारना है। तो इस तरह से ये जो ब्रिज एक्सरसाइज है ये बहुत असरदार है, इससे आपको कई सारे फायदे भी दूसरे मिल सकते हैं। ये हमारा तीसरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब चौथा एक्सरसाइज, बीच में रेस्ट जरूर लें और उसके बाद आप चौथे एक्सरसाइज में जाएं। चौथा एक्सरसाइज है फ्लैटर किक। इसमें आपको जस्ट पैरों से इस तरह से आपको किक करना है। तो इसमें भी अगर आप लगातार 1 मिनट नहीं कर सकते हैं तो आप बीच में रेस्ट लीजिए, थोड़ी देर कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए कीजिए। इस तरह से आप घड़ी देखते हुए 1 मिनट के लिए इसे कीजिए। तो देखिए ये मेरा चौथा मिनट चल रहा है, यानी 4 मिनट। तो आप देख रहे हो कि मैंने घड़ी लगा के रखी है और हर एक्सरसाइज को मैं 1-1 मिनट के लिए ही सिर्फ कर रही हूँ। पूरे दिन में 5 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ 5 ही मिनट आपको पूरे दिन में निकालने हैं इन एक्सरसाइज को करने के लिए, अपनी बेली फैट कम करने के लिए, अपनी बेली को स्लिम बनाने के लिए। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को भी इस तरह से रुक रुक कर कीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा असर करता है बेली फैट में, बहुत ही जल्दी बेली फैट को कम करता है ये फ्लैटर किक वाला जो एक्सरसाइज होता है। इसे आप इस तरह से बस किक करते रहिए, देखिए आपका लोअर बेली बिल्कुल गायब हो जाएगा। चलिए 4 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट लेके और उसके बाद आखिरी एक्सरसाइज। तो 5वां एक्सरसाइज भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको चलानी है साइकिल। जी हाँ, 1 मिनट तक आपको सिर्फ साइकिल चलानी है। इससे आपका जो है बेली फैट कम होगा, हिप फैट और थाई फैट भी अगर आपको है वो भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। बस 1 मिनट के लिए आपको इसी तरह से साइकिलिंग करनी है, ये भी बहुत असरदार है। अगर आप थक जाते हैं तो थोड़ी देर इस तरह से रेस्ट लीजिए, थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद फिर स्टार्ट कीजिए, और इस तरह से आपको 1 मिनट तक इस एक्सरसाइज को भी करते जाना है।
तो इस तरह से आप देख रहे हो कि सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं और 5 मिनट में मैंने जो है 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। हर एक्सरसाइज को मैंने एक एक मिनट के लिए किया है। बस 5 मिनट में आप पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालिए और इस तरह से अपना बेली फैट बिल्कुल कम कर लीजिए, बिल्कुल गायब कर लीजिए। ये एक्सरसाइज आपको और भी अच्छे अच्छे फायदे देगा, सिर्फ बेली फैट ही नहीं घटाएगा, बाकी फायदे भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपने देख ली, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, 5 मिनट के लिए कीजिए। 5 मिनट करने के साथ ही साथ सुबह 5 मिनट, शाम 5 मिनट कीजिए। अगर दो टाइम आप नहीं कर सकते तो एक टाइम कीजिए आप, और साथ ही साथ जो मैंने बाकी के टिप्स बताए हैं उन्हें फॉलो कीजिए। एवरीडे 2 या 3 वेट लॉस ड्रिंक जरूर पीजिए, अपनी पसंद का कोई भी वेट लॉस ड्रिंक जो आप इजीली बना सकते हैं, जो आपको पीने में अच्छा लगता हो, इजीली आपको सूट कर जाता है, वो वाला वेट लॉस ड्रिंक आप कंटिन्यू कीजिए 10 दिन तक, तो देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और मुझे आगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ और आपको एक्सरसाइज करके आपको कैसा फील हुआ, आपका बेली फैट कम हुआ या नहीं, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मैं शेयर करती रहूँगी। फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।